गुड मॉर्निंग गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग सुबह के कुछ आठ साढ़े आठ बज रहे थे मैं 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 उठ उठ गई उठने के के बाद सबसे पहले पहले बेड बेड बनाती आदत अभी कुछ सालों से लगा है मुझे पहले नहीं था ऐसे चली जाती थी ऐसे पड़ा होता था पर हाँ मम्मी डांड डांड के सिखाई है अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली उठने के बाद ये काम कर लेना नहीं तो बाद में आपको ज्यादा आलस आती है ऐसा लगता है बाद में करूंगी एंड इट्स एक्चुअली नॉट गुड तो अभी अफकोर्स पानी पीऊंगी कुछ दिनों से चिया सीट वाला नहीं पी रही हूँ मैं मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा वेट लूज कर लिया इस चार पांच महीने में पता नहीं आपको समझ आती है कि नहीं एक्चुअली आई यूज टू बी लाइक फिफ्टी फाइव फिफ्टी सिक्स केजीज अभी मेरा वेट है फिफ्टी टू के जीज ऐसा तो फिफ्टी टू के जीज थोड़ा ज्यादा स्किनी है मेरे लिए आई वॉन्ट टू मेनटेन लाइक फिफ्टी फोर के जीस वो हेल्दी है पर वही है कि ऐसे लूज हो गया विदाउट डूइंग एनीथिंग आप मुझे कभी कभी पूछते हो कि आपका डाइट रूटीन या आपका जो एक्सरसाइज का रूटीन है वो शेयर करो एक्चुअली मैं मैं एक्सरसाइज बहुत ही कम करती हूँ और डाइट में भी मैं इतना ज्यादा कैलकुलेट करके कुछ फॉलो नहीं करती कि इतना प्रोटीन इतना काब्स इतना, इतना फैट मैं इंटेक कर रही हूँ एक दिन में मैं लिटरली कुछ भी खाती हूँ पर हाँ घर का खाना मोस्टली वेट गेन को लेके मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है पर हाँ अगर वर्क प्रेशर बढ़ जाती है तो वेट लूज जरूर हो जाता है इसी के वजह से कोविड से पहले तक मैं अंडर थी मेरा वेट कुछ फोर्टी नाइन हुआ करता था और कोविड के टाइम पर जब दो महीना हम ऐसे घर पे बैठ गए तब जाके मेरा वेट फिफ्टी फोर ऐसा हो गया था जैसे आपको अभी में दिख रही हूँ इसमें तो आपको लग रहा होगा कि नहीं ठीक ही तो है इन पर्सन मैं थोड़ी सी स्किनी लगती हूँ कैमरे uh, में समझ नहीं आता बिकॉज कैमरा एड्स अ लिटिल बिट ऑफ वेट मैं फ्रेश होके अभी तैयार होने के लिए आ गई फ्लाइट के लिए तैयार हो रही हूँ नहीं तो मैं तैयार हो रही हूँ एक ऑनलाइन मीटिंग कम इंटरव्यू के लिए तो आपको याद है मैं आपको कुछ दिन पहले बोल रही थी कि मेरा एक एग्जाम है तो हाँ वही एग्जाम का इंटरव्यू था आज और जब भी कोई ऐसी ऑनलाइन मीटिंग होती है या इंटरव्यू या एग्जाम जो भी हो ऑनलाइन होने से भी आपको अच्छे से मेकअप करके बिल्कुल तैयार होकर बैठना पड़ता है जैसे मैं अभी बैठी हूँ खुद भी नहीं पता था मुझे कि कितना टाइम लगेगा पर नेटवर्क इशू होने लग गई थी बीच में और मैं फर्स्ट एडेड थी, थी थोड़ा सा। जैसे कि आप देख पा रहे हो कुछ दिनों से यहाँ पे ना थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रही है पावर कट हो रही है मुझे नहीं पता क्यूँ हो रहा है ऐसा हम लोग यहाँ पे दो साल से रह रहे हैं कभी पावर कट नहीं होता पर आजकल हम देख रहे हैं की रात को ऐसे ग्यारह साढ़े बजे पावर कट हो जाती है कुछ एक डेढ़ घंटे के लिए उस दिन तो हद हो गई दो घंटा पावर नहीं था और दो घंटे के बाद पावर आई आज मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा था कुछ एक घंटा लगा एंड नाउ आई एम डन बैठने से पहले आपको दिखाने का टाइम नहीं मिला था तो अभी मैं दिखा रही थी आपको कि मेरा अटायर और मेकअप कैसा था ये देखो ये था मेरा मेकअप और अटायर में भी बहुत ही सिंपल रखा था मैंने ब्लैक रखा था बिकॉज ब्लैक इज द इजिएस्ट वन जब आपको कुछ भी समझ नहीं आती है तो ऐसे ब्लैक पहन लो ऊपर से आप कुछ भी कलर पहन सकते हो ब्लैक के साथ मोस्टली सारे कलर जो है वो जाता है तो ये ऑलिव ग्रीन कलर के एक जैकेट थे फॉर द बॉटम्स यू कैन गो फॉर दो लूज पैंट्स पर हाँ मेरे पास वैसा नहीं था तो मैं यही वाला पहन लिया था अभी मुझे पेनी को खाना खिलाना पड़ेगा ऑलरेडी बुला के गई एक बार तो देखो पेनी को खाना खिला दिया मैं भी चेंज कर लिया था एंड नाउ आई हैव टू ईट सबसे पहले मैं, मैं, मैं काट लूंगी काटना ना एक टास्क है कभी कभी मैं छिलके के साथ ही काट लेती पर आज मैं छिलका निकालूंगी बिग बास्केट से जो मैंगोज खरीदे थे ना ये वो ही मैंगोज है दो पड़ा था और अभी थोड़ा ज्यादा ही पक गया था छिलका निकलते समय मुझे थोड़ा ज्यादा दिक्कत हुई पर हाँ हो गया फाइनली एंड दिस इज माई लंच आज लंच में सोयाबीन की सब्जी फिर कद्दू और थोड़ा सा बैंगन बस इतना ही देखो मैं ऐसा ही टाइप का खाना खाती हूँ जो घर पे बनते हैं कभी कभी अगर कुछ भी नहीं है तो ऐसे स्मैश पोटैटो कद्दू को भी मैं ऐसे बॉईल कर लेती हूँ उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मिर्ची डाल के ऐसे स्मैश करके खा लेती हूँ खाने के लिए मैं बिल्कुल भी फिनिकी नहीं हूँ मुझे खाने में कुछ भी दे दो चलेगा पर हाँ सिंपल खाना ज्यादा मसाला और ज्यादा ऑयल वाला खाना नहीं हजम होती है मुझे बाकी सिंपल घर का खाना अब पेनी भी यहाँ पे आ गई थी मेरे पास ऐसे बाजू में बैठी थी जब भी मैं ऑनलाइन क्लास भी करती हूँ ना या कोई ट्रेनिंग जो भी करती हूँ मतलब वो मेरे पास ही बैठी होती है लास्ट तो बाहर बाहर रहने देती हूँ सो रही है वैसे भी क्या ही करेगी सोने देती हूँ तो हाँ मैं सोने दिया उसको और ऐसी बेड में सो रही थी जहाँ पे अभी सो रही ना यहीं पे सो रही थी वो अचानक से पता नहीं क्या उसको आवाज आई भोगने लगी मेरी इंटरव्यू के बीच में एंड इट वॉज सो एम्बेरसिंग एंड इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू तो ऐसे बीच में भौकने लगी थी एम्बेरसिंग भी था मुझे डर भी लगा था कि आई डोंट नो मतलब जो लोग मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं वो लोग क्या सोचेंगे बट दे वर रियली स्वीट सो दे डिड नॉट से एनीथिंग बट उसको ऐसे अंदर रखना थोड़ा रिस्की हो जाता है समझ नहीं पाती है कभी की कि कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये तो बीच में अगर कुछ आवाज आती है भौक देती है अभी देखो ये आ, मैं वॉइस ओवर कर रही थी एक वीडियो में पेनी सो गई मुझे भी सोने का मन कर रहा था पर हाँ मेरा कुछ काम है वो करके मैं सोऊंगी एक दस मिनट के वीडियो में वॉइस ओवर करने के लिए मुझे करीब एक डेढ़ घंटा लगता है एक्चुअली और छोटे जो शॉर्ट्स होते हैं ना उसमें वॉइस ओवर करने के लिए मुझे ऐसे मिनट लग जाते हैं कभी कभी जल्दी हो जाता है तो वॉइस ओवर ऐसा है है ना बाल बनाने के जैसा अगर एक बार में हो गया तो हो गया पर अगर एक बार में नहीं हुई तो काफी ज्यादा ऐसे रीटेक जैसे मूवीज में होते हैं ना वैसा करना पड़ता है आपको बार बार उसको मतलब गलत हो जाती है फिर बार बार डिलीट करो फिर से एडिट करो फिर से डिलीट करो फिर से बोलो तब जाके आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता जाती है आप लोग मुझे कभी कभी बोलते हो कि आप वीडियो कैसे एडिट करते हो उसका वीडियो बनाना। पर मैं ना एक्चुअली आई वोंट बी द राइट पर्सन टू मेक सच वीडियोस। मैं खुद भी है नहीं करती। अभी तो थोड़ा बहुत ट्रांजिशन डालती हूँ पहले वो भी नहीं डालती थी बस वही थोड़ा बहुत ट्रांजिशन डाल देती हूँ जो रॉ क्लिप्स है वो डाल देती हूँ उसको थोड़ा बहुत एडिट करके एंड देन आई जस्ट पुट माई वॉइस ओवर ये मेरे मनी प्लांट्स आपको दिखा रही थी बहुत ही सुंदर है ये वाला पर गर्मी के वजह से इसके पत्ते जो है जल रहे हैं देखो ये वाला भी बहुत सुंदर है ये पत्ते जल रहे हैं अभी मेरा एडिटिंग का काम हो गया था और ये सारे प्लांट्स को मैं थोड़ा सा हटा के रख रही थी यहाँ से क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी आती है बारिश होगा ऐसा लग रहा था देख मुझे तो सब कुछ विंडोज वगैरह बंद करके प्लांट्स वगैरह थोड़ा सेफ जगह पर रख के मैं बेनी को लेके यहाँ पे सोने वाली थी नैप ले लूंगी कुछ एक डेढ़ घंटे के लिए अगर मैं घर पे हूं ना तो मुझे थोड़ा सा नैप लेना ही पड़ता है दोपहर को नहीं तो हेडेक होती है मुझे शाम को उठकर और ये देखो मेरे अलार्म क्लॉक मुझे उठा दी है शाम को मैं अलार्म नहीं लगाती बिकेस पेनी मुझे उठा देती है उसको भूख लग जाती है कर्ड राइस इज हर फेवरेट बाकी समय वो उठाती नहीं है मुझे खाने के लिए मोस्टली पर शाम को जरूर उठाएगी कर्ड राइस खाने के लिए समर के टाइम पर वो शाम को कर्ड राइस खाती है पर विंटर में हम हर रोज कर्ड नहीं देते तो विंटर में हम लोग हफ्ते में ऐसे दो दिन तीन दिन दे देते हैं बाकी समय नॉर्मल जो सूप राइस खाती है रोटी बहुत ही कम खाती है आजकल मैं और पेनी हम दोनों ही सेम है दिन में हम तीन चार बार राइस खा सकते हैं और उसके बाद भी हमारा वेट गेन नहीं होता आई फील लोग मुझे नहीं हूँ आंटी ज्यादा राइस बना दिया तब जाके हम लोग रात को भी राइस खा लेते हैं क्योंकि वो अगर रख देना तो नेक्स्ट डे बासी हो जाती है और बासी खाना अच्छा नहीं है कभी कभी हम खाते हैं वैसे सब्जी अगर ज्यादा बन गई या पापा कुछ लेके आए पापा कभी कभी ऐसे दो तीन दिन के लिए एक्स्ट्रा लेके आते हैं बैक टू बैक फ्लाइट होने से भी हम कभी कभी गर्म करके खाते हैं खाना वैसा नहीं है कि नहीं खाते फ्रेश बना के ही खाना बेहतर है तो अभी इसीलिए हम लोग आंटी को रखे हैं ताकि हम लोग हर रोज मतलब फ्रेश बने खाना ऐसे एक दिन दिन बना के दो दिन ना खाना पड़े कभी कभी इंसान मजबूर हो जाते हैं ऐसे घरने के लिए मुझे पता है किसी को भी नहीं पसंद ऐसे एक दिन बना के दो तीन दिन खाना खाना पर ऐसे होते कि आपको काम होती है और आपके पास कोई नहीं होता आप अकेले रहते हो ऐसे बहुत लोग होंगे जो लोग अकेले रहते होंगे काम के लिए और बाहर रहते होंगे अपने फैमिली से तो लोग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है और नहीं तो बाहर से ऑर्डर करके खाना पड़ता है कुछ भी नहीं है तो मैं अंडा सब्जी ये सब बॉइल करके राइस के साथ खा लूंगी तब भी मुझे चलेगा पर हाँ रोज रोज बाहर से ऑर्डर करके खाने से मेरे पेट में प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको भी ऐसा होता है क्या अभी मैं यूनिफॉर्म आइन कर रही थी क्योंकि कल मेरी फ्लाइट है जब भी मेरी फ्लाइट होती है सुबह हो या ग्यारह बजे हो मैं एक दिन पहले ही यूनिफॉर्म आयन करके सब कुछ रेडी करके रखती हूँ एक बार ऐसा हुआ था कि बजे फ्लाइट थी तो मैं कुछ भी रेडी करके नहीं रखा था मैंने सोचा सुबह उठ कर करूंगी और फिर सुबह उठने में मैं थोड़ी लेट हो गई जाके मुझे बहुत ज्यादा भागा दौरी करना पड़ा था और मुझे ऐसे रश रश में कुछ भी काम करना नहीं पसंद मुझे सारे काम ऐसे आराम से शांति से टाइम लेके करना पसंद है तभी जाके मैं सब कुछ पहले से तैयार करके रखती हूँ अभी जैसे कल का जो यूट्यूब का काम है वो भी मैं अभी कर लूंगी कल का वीडियो स्टेड्यूल कर दूंगी और शायद परसों का वीडियो भी मैं रेडी कर लूंगी अभी बैठकर मेरे पास ऐसे तीन चार घंटा है पता नहीं कितना हो पाएगा पर जितना हो पाएगा उतना मैं कर लूंगी आजकल मैं यहाँ पे भी हर रोज वीडियो पोस्ट कर रही हूँ और कभी कभी ऐसा होता है की मेरा वीडियो रेडी नहीं रहता तो तब जाके मुझे लास्ट मोमेंट थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ मेरा जो है वो तीन बजे के अंदर आ जाए पर जब भी ऐसा नहीं होता आप देखते होंगे की मैं पांच बजे अपलोड करती हूँ इसके मतलब ये है की मैं लास्ट मोमेंट बैठ कर एडिटिंग कर रही हूँ कुछ फ्लाइट रहा हो होगा या फ्लाइट डिले हो गई होगी या कुछ हो गया होगा जिसकी वजह से मेरा काम जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है और बीच में एक दिन मिस भी हो गया था पर कोशिश कर रही हूँ मैं हंड्रेड परसेंट की मैं मिस ना करूँ और एक स्केड्यूल जो है उसको मेंटेन करूँ यूट्यूब का ये जो काम है ना ये भी काफी फुल टाइम है तो अभी ऐसा हो गया कि दोनों मेरे काम फुल टाइम हो गया मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कभी कभी टाइम मैनेज करना पर समहाउ आई एम मैनेजिंग नाउ बाद में जाके मुझे इसका कुछ हल निकालना पड़ेगा मतलब आई नीड टू गेट सम हेल्प आप सब कुछ अकेले करो थोड़े दिन के बाद जाके ना यूल बिल्कुल भी नहीं चाहती तो हाँ अभी इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया मैं आपके साथ मिलूंगी फिर से नए ब्लॉग पर तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना बाय बाय टेक केयर